देहात थाना पुलिस ने अंबानगर चौराहे में घेराबंदी कर फरार चल रहे अवैध रूप से कच्ची जहरीली शराब बनाने वाले आरोपियों को टवेरा गाड़ी के साथ पुलिस गिरफ्त में लिया है। यह आरोपी वही हैं जो पुलिस सर्चिंग के दौरान उनके बेटे ने पुलिस पर पत्थरों से हमला कर दिया था, जिसमें आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया था। देहात थाना पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। तभी फोन पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि भानपुरा चाचोड़ा टवेरा गाड़ी से गंज बासुदा की ओर सन्नी घनश्याम राजू साहबा ब्रजेश गंजर आ रहे हैं। पुलिस ने आनंद फानन में अंबानगर चौराहे पर पुलिस बल तैनात कर दिया और बैरिकेड लाकर गाड़ियों की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही टवेरा गाड़ी बसुदा के लिए पहुंची, घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। दबिश दी गई थी, उसमें कितने आरोपी पकड़ाए हैं? कुछ दिनों पहले जो पुलिस पकड़ा दकड़ी कर रही थी, जिसमें एक हमारा जवान घायल हो गया था और काफ़ी मात्रा में शराब बरामद हुई थी, जिसमें से 5 आरोपी विगत दिनों से फरार थे, जो अलग अलग जगह से जाके रह रहे थे। कल दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ये जो इनके मूल निवासी ग्राम भानपुर गुना बीना चाचोड़ा तरफ के रहन हैं, वहाँ से एक गाड़ी में तवेरा में होके यहाँ वापस गांव के आने वाले हैं। इस मुखबिर की सूचना की तस्दीक पर हमने अंबानगर चौराहे पर घेराबंदी की। तब सूचना पर एक टवेरा गाड़ी MP04KG2604 आई, जिसको हमने पुलिस की मदद से रोका गया। उन्होंने भगने की कोशिश की, फिर भी हमारा स्टाफ ने उनको पकड़ा गया। उसमें से हमारे जो मुख्य आरोपी थे सन्नी कंजर, घनश्याम कंजर, राजू कंजर, ब्रजेश कंजर और साहिबाबा कंजर, ये 5 आरोपी उस गाड़ी में सवार थे और 5 आरोपी पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ जारी है। अभी तक की पूछताछ में सर क्या इनसे कुछ हासिल हुआ? हाँ, इनके स्त्रोत जो जहाँ जहाँ शराब बनाते थे, बेचते थे, वो उसके बारे में पता लग रहा है और उसके बारे में तस्दीक की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।